लॉकडाउन के तीसरे चरण में शुक्रवार को भी महानगर में चहल पहल दिखा। इस दौरान नौसर चौराहे पर बिना पास और मास्क के शहर में आ रही गाड़ियों को वापस किया गया। अन्य जनपदों से आ रही गाड़ियों का नंबर नोट किया गया और यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग की गई। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन की सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जो भी शासन का निर्देश है उसका पालन करवाया जा रहा है और जो लोग अनावश्यक शहर में निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान हो रहा है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, प्रवेश नहीं करेगा, जो भी जाएगा बसों से ही जाएगा, पहले किसी को इस पॉइंट से अंदर प्रवेश ना दें, परिवार को बचाएं, हमारे पॉइंट से बाहर अंदर ना जाए, क्या लगाया है दिया करें। पहले हर व्यक्ति, हर चालक पहले एम्बुलेंस को रास्ता देगा, फिर अपना चलेगा रोड पर। अनावश्यक जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। छोटे मोटे कामों का बहाना लेकर घर से ना निकलें। रुपया पैसा, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा को भूल जाइए। कोरोना ने दिखा दिया एक महीने में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। नाक मुंह को ढके रहें, खांसते छींकते समय हाथ लगाकर ही खांसे छींकें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रखें। नाक मुंह को ढके रहें और वो अपना नाम पता लिखा दें, दूसरे जनपद से आने वाले अपना नाम पता लिखा कर ही जाएं। उम्मीद है कि हमारा सहयोग करें, का बहाना बनाकर घर से ना निकलें। बाहर निकलेंगे कोई चलेगा। पहली चीज, दूसरी चीज, मास्क अवश्य लगाइए, बिना मास्क के निकलेंगे तो आपका वाहन का चलान होगा। अपना पास अपने वाहन पे चिपका लीजिए और अगर जो आपका पर्सनल पास है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसको बाहर लटका कर रखिए। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, शासन के दिए हुए सभी निर्देशों के साथ लॉकडाउन को पालन किया है। गाड़ियों का चालान भी हो रहा है, जो लोग अनावश्यक, हाँ, जो गाड़ियां बिना पास के निकल रही उनका चालान भी किया जा रहा है। सर, कोई अपील जो अनावश्यक निकलते हैं? अपील यही करेंगे, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इस संक्रमण से खुद को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं और अपने मोहल्ले और नगर वासियों को भी और अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी वासियों को बचाएं।